हाय बच्चों कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एम करेंगे क्लास टेंथ एन और मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन कराए हैं एमसीक्यू आप देख सकते हैं क्लास टेंथ के ए एन बायोलॉजी के एम कराए हैं एक दो चैप्टर के करा चुके हैं आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का एम कराने जा रहे हैं आप देखिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन यहां पे नॉट दिया है तो नॉट अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा दिस इज तो कौन सा आंसर सही होगा चल के देखते हैं ब्रेकिंग ऑफ द आट केमिकल बॉन्ड एंड फार्मेशन ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड सही है फार्मेशन ऑफ न्यू सब्टेंस विथ एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी ये भी सही है एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इन टू द दोज ऑप एन अदर एलिमेंट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट यह नहीं सही है तो सी आंसर आपका गलत होगा चौथा ऑप्शन है अरेंजमेंट ऑफ द आइटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट यह भी सही है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे थर्टी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यहां पर भी डज नॉट है नॉट अंडरलाइनिंग कर लीजिएगा नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन तो देखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी ये तो ये भी सही है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन ये भी सही है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स वेन द हीटेड ये भी सही है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन द हीटिंग ये नहीं सही है तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा थर्टी एट क्वेश्चन देखेंगे यू आर गिवेंग द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट इन ऑर्डर ऑफ ऑप्टेन एलोप्रेप्सिटेट योर यू शुड मिक्स विथ इट सोल्यूशन ऑफ तो देखेंगे पोटेशियम क्लोराइड या पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम सल्फाइड एंड पोटेशियम आयोडाइड तो पोटेशियम आयोडाइड सही हो जाएगा ओके okay? तो थर्टी एट का पोटेशियम आयोडाइड सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एन एसिड विच कैन डीकोलराइज पर्पल कलर पोटेशियम पर मैग्नेट सोल्यूशन इच तो देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड सही होगा या सिट्रिक एसिड सही होगा कार्बोनिक एसिड सही होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सही होगा तो सिट्रिक एसिड आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखेंगे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू सब्सटेंस इज कैरेक्टराइज बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन दीज टू सब्सटेंस आर मोस्ट लाइकली टू बी तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, पोटेशियम परमाइनेट सल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमाइनेट सोलूशन लेमन जूस एंड पोटेशियम डाईक्रोमेट सल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो पोटेशियम डाईक्रोमेट सल्यूशन एंड सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड यस ओ टू सही होगा तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन देखेंगे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द क्यूक्लाइम एंड द वाटर इज कैरेक्टराइज बाई इ्यूशन यूल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैस फार्मेशन ऑफ स्लैकलाइम प्रेपिटेड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर सी ऑप्शन सही हो जाएगा ओके फोर्टी टू क्वेश्चन देखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन इंडोथर्मिक में क्या होता है हीट ए हीट एब्जॉर्ब होती है दिस इज देखेंगे 42 का कौन सा आंसर सही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन टू फार्म कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यह नहीं सही होगा कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फार्म नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड यह सही हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी देख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू फार्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये भी नहीं सही है डी ऑप्शन देख लेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फार्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ये भी नहीं सही है क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंडोथर्मिक रिएक्शन नॉट बोला है अंडरलाइनिंग कर लेंगे फोर्टी थ्री के लिए तो देखिए एक रिएक्ट पहला दिया सी ए सीओ थ्री गिप्स सी ए प्लस कार्बन डाइऑक्साइड नेक्स्ट देखेंगे इसका सेकंड ऑप्शन है वाटर गिप्स हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन ये इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है देखेंगे सी ऑप्शन देखेंगे इसका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ये भी इंडोथर्मिक नहीं है डी ऑप्शन कहना चाह रहा है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सिक्स वाटर ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो आपका फोर्टी थ्री का डी आंसर सही हो जाएगा फोर्टी फोर का देखेंगे वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जो थर्मिक रिएक्शन इक्जो का मतलब हीट इवॉल्व होना तो देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या सही है नहीं कन्वर्जन ऑफ द लाइम स्टोन इन टू क्यूक लाइम ये भी नहीं सही है प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन क्या ये सही है यह सही है तो फोर्टी फोर आपका सही हो जाएगा प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नॉट नॉट क्या दिया है जो थर्मिक रिएक्शन नहीं है तो आपका सी आंसर आपका सही हो जाएगा तो फोर्टी फाइव देखेंगे द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इन केमिकल रिएक्शन दिस लॉ इज नोन एच तो क्या हो जाएगा आपका देखेंगे पहला है लाभ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास लाभ कंजर्वेशन ऑफ मोशन लाभ कंजर्वेशन ऑफ मैग्नेटिज में, में तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास 45 का बी है तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे पहले केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एन क्वेश्चन के और भी है इसी के साथ मैं करा दे रहा हूं इसी चैप्टर के और भी एम सी क्यू है उसको देख लेंगे देखेंगे फोर्टी सिक्स नंबर का क्वेश्चन द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इज कॉल्ड अगर ऑक्सीजन रिमूव होता है तो ऑक्सीडेशन होता है या क्रोजन होता है रिडक्शन होता है या रेंसीडिटी होता है तो क्या आंसर हो जाएगा आपका रिडक्शन होता है भाई ऐड होता तो ऑक्सीडेशन होता रिमूव हो रहा है तो रिडक्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट फोर्टी सेवन क्वेश्चन देखेंगे इन द कॉन्टेक्स ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज नोन एज तो ऑक्सीडेशन होगा यहां क्या रिमूव हो रहा है आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा तो क्या हो रहा है भाई जी देखिए हाइड्रोजन का रिमूव होना या ऑक्सीजन का एडिशन होना तो ऑक्सीडेशन कहलाता है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा अगर यहां पे एडिशन होता तो क्या हो जाता रिडक्शन हो जाता ओके okay? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है किसी सब से ओके फोर्टी एट देखेंगे द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन ऑफ़ आयरन मेटल इज डेट ऑफ तो देखेंगे ऑक्सीडेशन एज एज डिस्प्लेसमेंट रिडक्शन एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन एज वेल एज कॉम्बिनेशन डी ऑप्शन रिडक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट तो आप देखेंगे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा ऑक्सीडेशन एज कॉम्बिनेशन फोर्टी नाइन क्वेश्चन देखेंगे द टर्म यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फैट एंड ऑयल कॉन्टेनिंग फूड ड्यू टू द एरियल ऑक्सीडेशन इच एसिडिटी रेडियो एक्टिविटी रेबिटिटी एंड रेंसीडीटी तो फोर्टी नाइन का आंसर हो जाएगा डी रेंसी रेंसीडीटी हो जाएगा फिफ्टी नंबर का क्वेश्चन देखेंगे इन द आ इन दर्डर टू प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ द पोटैटो चिप्स दे आर पैकिंग पैक्ड इन प्लास्टिक बैग इन एटमोसफियर तो ए ऑप्शन है क्लोरिन गैस हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस तो क्या सही हो जाएगा आपका यह कहना चाह रहा है अंकल चिप्स का जो पैकेट आप खाते हैं वह जो तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है तो ये कहना चाह रहा है नाइट्रोजन गैस भरी जाती है हमने अपने यूट्यूब पर भी बताया है ऑब्जेक्टिव में मतलब शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला है आप देख सकते हैं नेक्स्ट फिफ्टी वन क्वेश्चन देखेंगे ऑफ अ व्हाइटेट प्रिप्सिटेट कैन बी ऑप्टेन बाय द एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है यस्टूएसोफोर yes होता है क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड एसटूएसोफोर तो व्हाइट प्रिप्स कौन देता है कापर सल्फेट सोलूशन एन एस एल और यह बी ए सी एल क्लोराइड तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ओके देखेंगे 52 देखेंगे ऑफ वाइट प्रिप्सिटेड विल बी फार्म इफ बी एडेड कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन ईच तो दे रखा है बी एन ओ थ्री का होल्ड वाई सोल्यूशन के एन ओ थ्री का सोल्यूशन ए जी एन ओ थ्री सोल्यूशन तो एजीएनओ थ्री सोल्यूशन सही हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट ओके एजी एनोथ थ्री आप देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ अ मेटल यम यम को मेटल से लिया गया है इसको डिनोट किया है कैपिटल से दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटेड पहला ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन बी ऑप्शन है कॉम्पोजिशन रिएक्शन एज वेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डी ऑप्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए यहां पे मेटल है मेटल ने ऑक्सीजन से क्या कर रहा है रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है तो ये कॉम्बिनेशन है रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ओके okay? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा देखेंगे तो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इच तो रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या है पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज ए नहीं सही है बी ऑप्शन है रिडक्शन रिएक्शन है। विच इज एग्जोथर्मिक ये भी नहीं सही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन विच इज इंडोथर्मिक ये भी नहीं सही है डी ऑप्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच इज इग्जोथर्मिक रिएक्शन तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा ओके okay? तो देखेंगे फिफ्टी फाइव नंबर का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डी बाय द एक्शन ऑफ द लाइट तो ए सी एल के ए सी तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा ए जी सी एल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डीकम्पोज बाई द एक्शन ऑफ द लाइट तो सी ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड 56 क्वेश्चन देखेंगे कंसीडर द रिएक्शन यहां पे दे, रख, दे रखा है पोटेशियम प्रोमाइड के बी आर प्लस ए जी एनओ थ्री यह गिफ्ट दे रखा है आपका के अनोथ्री पोटेशियम नाइट्रेट प्लस ए जी बी आर अब यह बताना चाह रहा है कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा देखते हैं तो वह रिएक्शन क्या हो सकता है डिकम्पोजिशन का रिएक्शन हो सकता है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट तो उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है तो सी ऑप्शन सही है आपका देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी सेवन इस चैप्टर का आखिरी एम सी क्यू देखेंगे यू आर गिवेन द फॉलोइंग केमिकल रियक्वेशन एम मैग्नीशियम है यह कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट किया एम जी ओ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर तो क्या होना चाहिए द इक्वेशन रिप्रेजेंट डन रिएक्शन एज वेल एज डिसमेंट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन एज एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन तो और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है आपका सी ऑप्शन आप हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो इसी के साथ एम पहले चैप्टर का फिनिश हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के इस चैप्टर के मैंने एम करा दिया और भी क्वेश्चन करा देंगे अगर आप कहेंगे तो अब मैंने बायोलॉजी के दो चैप्टर करा दिया है एम आप देख सकते हैं मंथन पाठशाला पे जाके और इसी तरह मैं और आगे एम कराता रहूँगा तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में ओके तब तक के लिए तैयारी करिए अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपके 80 से ऊपर 90 से ऊपर नंबर जाएं।